हेलो बच्चों, जैसे भी अभी आपने वीडियो प्ले किया तो आपको सामने दिख ही गया होगा कि क्या लिखा हुआ था। एक पेज बना हुआ था और वहां पे लिखा था 12th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस। और ये पढ़ के ये क्लियर बात हो गई है कि मैं आपको आज से इस यूट्यूब चैनल पे महाराष्ट्र का स्टेट बोर्ड का 12th का फिजिक्स सब्जेक्ट का न्यू सिलेबस पढ़ाने वाला हूँ। और वहां पे आपको लेसन का नाम भी दिख गया होगा। जो पहला लेसन है जो हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है रोटेशनल डायनामिक्स। ये जो लेसन है इसके ऊपर हम थोड़ा सा स्टडी करने वाले, थोड़ा सा मतलब पूरा ये स्टडी इसके ऊपर हम करने वाले। और आज से हम एक छोटी सी छोटी चीज स्टेप बाय स्टेप, और जो सिलेबस में हमारे दिया हुआ स्टेट बोर्ड के, हर एक चीज हम क्लियर कराएंगे और सभी चीजों में बहुत मजा आएगा अगर आप अच्छे से इंटरेस्टिंग से ये वीडियो अगर देखोगे तो। ठीक है, तो अभी जैसे हमारा सबसे पहला लेसन है जो नया सिलेबस आया हमारा रोटेशनल डायनामिक्स, इसका सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इसके इंट्रोडक्शन मतलब जैसे अगर हम ये लेसन स्टार्ट करेंगे तो लेसन स्टार्ट करने से पहले ऐसी कुछ चीजें जो है हमको जानना बहुत जरूरी है। जब अगर वो हम चीजें नहीं जानेंगे या वो चीजें अगर हमको पता नहीं होगी तो आगे की चीजें समझने के लिए बहुत प्रॉब्लम जाएगी। और मैं आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर ये लेसन अच्छे तरीके से पढ़ना है तो जो मैं कुछ बातें बताऊंगा वो आप पहले से प्रिपेयर करके आइए, तो आपको और आसानी जाएगी ये चीज पढ़ने के लिए। अभी आपको सभी को पता है कि जो हमारा स्टेट बोर्ड का 2020 के लिए जो अभी सिलेबस है वो चेंज हो गया है, और नई बुक मार्केट में आने ही वाली थी कि उसी के कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है उस लॉकडाउन के जरिए मार्केट में बुक नहीं आई है। लेकिन बुक पब्लिश हो चुकी, मतलब बुक बन चुकी है लेकिन मार्केट में नहीं आई है लॉकडाउन की वजह से। लेकिन वही बुक गूगल में अवेलेबल है, मतलब अगर आपको वहां से उसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को ऐसा लगता है कि डाउनलोड नहीं करना चाहिए क्योंकि डाउनलोड करने के लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, लिंक नहीं मिल पाती अच्छे से, सोर्स नहीं मिल पाता हमको डाउनलोड करने के लिए, तो अगर आप ये वीडियो पूरी अच्छी तरीके से देखते हैं और आपको ऐसा अच्छा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक काम कीजिएगा, मेरे यहाँ पे स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है आपको, उस व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को मैसेज कीजिएगा कि मेरे को पीडीएफ चाहिए, तो मेरे पास वो डाउनलोड है, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से वो पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, तो अभी हम बढ़ते अपने लेसन के तरफ। तो जो हमारा नया सिलेबस है और उसमें जो रोटेशनल मोशन है, अब पिछले साल का जो सिलेबस था उसमें कुछ ज्यादा लेसन थे और यहाँ पे लेसन कम कर दिए, तो ये खुशखबरी की बात है कि हमारे लगभग 3 से 4 लेसन कम हो गए, तो हमको थोड़ा सा आसानी जाएगी। ठीक है, तो जो रोटेशनल डायनामिक्स है ये 2 लेसन का कॉम्बिनेशन है। एक सबसे पहले है हमारा सर्क्यूलर मोशन प्लस रोटेशनल मोशन, ये दोनों लेसन हम पिछले क्लास में पढ़ चुके। पिछले क्लास में मतलब पिछले साल का जो सिलेबस था वो पिछले साल में ये दोनों मोशन दोनों लेसन थे, एक सर्कुलर मोशन था और एक रोटेशनल मोशन था। तो अभी जैसे सिलेबस चेंज हुआ आपको पता ही है, तो सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक नया लेसन दिया गया हमको, जिसका नाम दिया गया है रोटेशनल डायनामिक्स। अब मैंने बताया कि जो रोटेशनल डायनामिक्स है वो सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन का कॉम्बिनेशन है, इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि इस रोटेशनल डायनामिक्स में हम सर्कुलर मोशन की पे भी स्टडी करने वाले और साथ में रोटेशनल मोशन पे भी स्टडी करने वाले। ठीक है, तो अभी आज और कल अभी एक दो लेक्चर हमारे इंट्रोडक्शन पे ही होंगे, और वो इंट्रोडक्शन अगर आपने अच्छे से देख लिया तो आपको आसानी जाएंगे अगले टॉपिक्स पढ़ने में। तो आज हम बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, एक दो लेक्चर हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद हम अपना लेसन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी हमको ये पता चल गया कि रोटेशनल डायनामिक्स में हमको क्या पढ़ना है, सर्कुलर मोशन प्लस रोटेशनल मोशन, ये दोनों चीजें हमको पढ़ना है। तो अभी जो हमारी नई बुक मैंने आपको बताया कि पीडीएफ अवेलेबल हो चुका है, तो जैसे अगर बुक आई है पूरी तो उसमें एक बहुत अच्छी बात दी है कि जैसे अगर लेसन चालू होता है तो उस लेसन का इंट्रोडक्शन के पहले ही कुछ एक छोटा सा ब्लॉग बन के वहां पे कुछ लिखा हुआ है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कैन यू रिकॉल, मतलब वहां पे ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमको पहले ही रिकॉल करना चाहिए इस लेसन को पढ़ने से पहले। अगर वो चीजें अगर हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिए तो ये लेसन जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो हमको पढ़ने में जाएगी उसके आसानी। इसीलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले वो लेसन इस लेसन को पढ़ने से पहले जो चीजें हमको जानना जरूरी है उसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद हम इस लेसन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे आपने स्क्रीन पे देखा होगा कि जो लिखा हुआ है कैन यू रिकॉल, तो उसमें सबसे पहला नाम आया है व्हाट इज सर्कुलर मोशन।
और ये आपने पिछले क्लास मतलब 11th क्लास में व्हाट इज सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन क्या होता है आप देख चुके हो 11th क्लास में, थर्ड नंबर का लेसन था फिजिक्स में मोशन इन प्लेन करके, तो वहां पे आपने पढ़ लिया होगा कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, फिर आपने वहां पे प्रोजेक्टाइल मोशन भी पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, तो मोशन से रिलेटेड ये मैक्सिमम चीजें आप वहां पे स्टडी कर चुके, तो वहां से मैक्सिमम चीजें जो हमको यहाँ पे काम में आने वाली है। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, तो पहला ही है हमारा व्हाट इज सर्कुलर मोशन, ये पढ़ते हैं कि सर्कुलर मोशन यानी क्या होता है। पिछले साल जो लेसन था अभी मैंने बताया, पिछले साल के सब्जेक्ट में सबसे पहला ही लेसन था सर्कुलर मोशन, तो उसमें इस सर्कुलर मोशन का जो पिछले साल का सिलेबस था उसमें से कुछ सिलेबस 11th क्लास में है और कुछ सिलेबस हमारे अभी न्यू सिलेबस में 12th में है, ठीक है। तो अभी अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करें तो सर्कुलर मोशन जानने से पहले, सर्कुलर मोशन जानने से पहले हमको एक बात जानना बहुत जरूरी है कि मोशन क्या होता है, वो लगभग सभी को पता है लेकिन अगर अभी बात निकली हुई है तो हम थोड़ा थोड़ा उस पर स्टडी कर लेते हैं। हमको पता है कि अगर कोई भी बॉडी, अगर यहाँ पे भी कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये कोई तो भी एक सरफेस है, अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं कुछ तो भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूँ, वो कितने अमाउंट का भी हो सकता है, ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं कितनी अमाउंट का किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक कोई बॉक्स रखा हुआ है, इसके ऊपर मैंने कुछ तो भी अमाउंट न्यूटन का लगाया फोर्स, तो अब ये जो पोजीशन थी उसको मैंने बोल दिया इसकी शुरुआत की पोजीशन यानी इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। फिर अब जब इसके ऊपर फोर्स लगाया तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमको पता है कि जब अगर किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट होता है तो ऑब्वियसली वो बॉडी काय में आती है, मोशन में आती है। जब अगर इस बॉक्स के ऊपर कुछ तो भी अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा तो ये बॉडी कहां शिफ्ट हो जाएगी, आगे की तरफ, और ये बॉक्स आ जाएगा यहाँ पे, और जब वो अगर यहाँ पे आके रुक गया मतलब ये उसकी कौन सी पोजिशन हो गई, फाइनल पोजिशन, ये क्या होगी उसकी फाइनल पोजीशन। तो अभी हमको पता चला कि किसी फोर्स लगाने की वजह से बॉडी के पोजीशन में क्या आया, चेंज, क्योंकि पहले बॉडी की पोजीशन ये थी और फिर बाद में बॉडी की पोजीशन ये हो गई, तो किसी फोर्स लगाने की वजह से बॉडी में आया पोजीशन। तो जब अगर किसी बॉडी में, जब किसी बॉडी के पोजीशन में अगर चेंज आता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मोशन, उसी को कहा जाता है मोशन। ये आप सब चीजें पढ़ ली होंगी लेकिन जैसे जैसे नाम आते तो थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे तो धीरे धीरे बातें सब क्लियर हो जाएगी। अभी अगर आजकल देखे तो हमारा भारत दो ही चीजों से परेशान है, एक तो कोरोना और दूसरा गर्मी, इसलिए गर्मी बहुत हो रही है अभी, तो आप घर पे रहिए, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी सर्कुलर मोशन पढ़ने से पहले जैसे अगर हम मोशन के बारे में बात करते हैं तो मोशन के कुछ टाइप्स होते हैं, और मोशन के कुछ टाइप्स में एक टाइप आता है जिसका नाम है ट्रांसलेशन मोशन। लगभग ये सभी लोगों ने सुनी होगी ट्रांसलेशन मोशन, आपकी प्रीवियस क्लास 11th क्लास में मोशन इन प्लेन एंड लॉज ऑफ मोशन, ये दो लेसन है थर्ड और फोर्थ नंबर के, तो मोशन के कुछ टाइप्स में से एक आता है। तो जैसे अगर 11th क्लास की बात करें तो वहां पे आपने वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, थ्री डायमेंशनल मोशन, ये सब पढ़ चुके हो, लेकिन अब उसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करेंगे, एकदम ज्यादा भी नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। जैसे वन डायमेंशनल मोशन या टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन मतलब उसका एक एग्जांपल पढ़े आपने, अगर एक एक नहीं कुछ और एग्जांपल पढ़े, टू डायमेंशनल मोशन में सर्कुलर मोशन भी आता है जो आपने मोशन इन प्लेन में पिछले क्लास में पढ़ चुके हो, साथ में प्रोजेक्टाइल मोशन भी आता है, ये जो है वो टू डायमेंशनल मोशन के एग्जाम्पल्स है। तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांसलेशन मोशन यानी होता क्या है, जो हमने वन डायमेंशनल ट्रांसलेशन मोशन बोला, टू डायमेंशनल ट्रांसलेशन मोशन बोला, थ्री डायमेंशनल ट्रांसलेशन बोला, वो सब चीज होती क्या, तो वो हम सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। तो ट्रांसलेशन मोशन मतलब एक्चुअली क्या होता है, जैसे भी मैंने मोशन बताया तो बिल्कुल लगभग उसी तरीके से है, जब अगर कोई बॉडी, ये कोई यहाँ पे लड़का है, ठीक है, अब वो लड़के जैसे दिख नहीं रहा है बात अलग है, लेकिन वो लड़का ही है, तो अब अगर इस लड़के के ऊपर कुछ तो भी किसी ने फोर्स लगाया, इधर कोई दूसरा लड़का था, ये इधर कोई एक दूसरा लड़का था जिस लड़के ने इसके ऊपर क्या लगाया, कुछ तो भी अमाउंट का फोर्स लगाया, तो ऑब्वियसली जब अगर इस लड़के के ऊपर अगर किसी ने किसी को अगर ऐसा धक्का दे दिया तो 100% वो आगे की तरफ जाएगा, तो ये लड़का आ गया यहाँ पे,
और जब ये लड़का यहाँ पे आ गया तो उसके पोजीशन में क्या आ गया, चेंज आ गया, उसके पोजीशन में आ गया चेंज, मतलब पहले वो यहाँ पे था फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया, तो पोजीशन में चेंज आया। उसके साथ साथ हम एक वर्ड ये भी यूज कर सकते हैं कि वो एक जगह से दूसरे जगह क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, एक जगह से दूसरे जगह क्या हो गया, वो ट्रांसफर हो गया। तो जब अगर इस प्रकार का कोई मोशन होता है जो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होता है तो उस प्रकार के मोशन को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन मोशन, या उसके पोजीशन में चेंज आता है। जब अगर किसी मोशन में एक जगह से दूसरे जगह अगर उसकी पोजीशन चेंज होती है तो उस प्रकार के मोशन को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन मोशन। अब बोलेंगे सर ये क्या बात होगी कि आप ये बात बोल रहे हो कि अगर मोशन करते समय किसी की पोजीशन चेंज होती है तो उस प्रकार के मोशन को हम ट्रांसलेशन मोशन बोलेंगे। तो मोशन यानी तो होता है कि उसके पोजीशन में चेंज। अब ये बात ऐसे जरूरी नहीं है कि हर एक प्रकार के मोशन में बॉडी की पोजीशन चेंज हो, ऐसा जरूरी नहीं है। उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल रोटेशनल मोशन, जब भी अगर कोई बॉडी अपने एक एक्सिस पे रोटेट होती है तो जरूर नहीं उसके पोजीशन पे चेंज आए। जैसे अगर मैं यहाँ पे भी एक इमेजिनरी एक्सिस है और उसी के अबाउट अगर इस तरीके से मैं रोटेट हो रहा हूँ तो मैंने मोशन तो किया लेकिन मेरी पोजीशन चेंज हुई क्या, नहीं। लेकिन अगर मेरी पोजीशन चेंज नहीं हुई इसका मतलब ये है क्या कि मैंने मोशन किया, ऐसा नहीं है। उसी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, आपने आपके घर पे सीलिंग फैन जरूर होगा और अभी चल भी रहा होगा तो उसको जरा थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो वो भी किसी एक ही पॉइंट पे फिक्स होके गोल 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 घूम रहा है लेकिन उसकी पोजीशन चेंज हो रहा है क्या। जैसे अगर ऊपर में लगा रहा तो कभी ऐसा नहीं कि एक कोने में जाएगा कभी दूसरे कोने में जाएगा, ऐसा वो इधर उधर घूमता रहता है क्या, नहीं घूमता रहता, वो एक ही जगह पे फिक्स होता है। फिर भी हम उसको बोलते हैं कि पंखा कैसा है, मोशन में है। तो अगर किसी के पोजीशन में अगर किसी के अगर पोजीशन में चेंज नहीं भी आता फिर भी वो बॉडी मोशन कर सकती है जो ट्रांसलेशन मोशन में नहीं आती, ठीक है। तो ये बात हमको पता है कि जब अगर किसी बॉडी की पोजीशन में अगर चेंज आता है तो उस प्रकार के मोशन को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है। तो अब ये जो ट्रांसलेशन मोशन में है इसमें भी हम दो से तीन बातें देखते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बताया अभी बताया था कि वन डायमेंशनल ट्रांसलेशन मोशन, टू डायमेंशनल ट्रांसलेशन मोशन, थ्री डायमेंशनल ट्रांसलेशन मोशन। तो वन डायमेंशनल ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है, टू डायमेंशनल ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है और थ्री डायमेंशनल ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है, ये अभी हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वन डायमेंशनल ट्रांसलेशन मोशन की। अब इमेजिन करो कि एक रस्सी है, ठीक है, एक रस्सी है और इस रस्सी के ऊपर चलने वाली एक एंट है चींटी। अब वो लाल हो या काली हो कोई भी हो सकती है। अब यहाँ पे एक चींटी है जो चल रही है, तो जैसे जैसे वो आगे की तरफ बढ़ेगी तो आगे की तरफ बढ़ेगी तो उसकी पोजीशन में चेंज आएगा। अब सबसे पहले अगर वो यहाँ पे वो कैसे पोजीशन पे है, रेस्ट पोजीशन पे। रेस्ट पोजीशन मतलब अभी तक उस के ऊपर कुछ फोर्स लगा नहीं गया है और उसने अपना मोशन स्टार्ट नहीं किया है, तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी पोजीशन में चेंज आएगा। तो सबसे पहले वो यहाँ पे आ गई, उसकी पोजीशन हो गई ए, यहाँ पे आ गई उसकी पोजीशन हो गई बी, यहाँ पे पोजीशन सी, ऐसे करते करते वो इधर तक के पहुंच गई जिस आखिरी पोजीशन को मैंने नाम दे दिया डी, ठीक है। ऐसे करते करते वो आगे तक के निकल गई। अब एक बात बताइए कि ये एक ही लाइन पे चलने वाली, अभी इसमें कोई और दूसरा रास्ता है क्या इसके पास चलने के लिए, बिल्कुल नहीं है, दूसरा रास्ता बिल्कुल नहीं है। अब दूसरा रास्ता नहीं मतलब हाँ वो ये बात हो सकती है कि इसी रास्ते से वो बार बार मोशन करे लेकिन इस रास्ते के अलावा उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है कि जहां पे वो मोशन कर पाए। मतलब अब अगर हम इस रस्सी पे अगर चल रही है, ये चींटी अगर इस रस्सी पे चल रही है और अगर इस लाइन में इसी जिस लाइन में वो मोशन कर रही है उस लाइन में अगर मुझे पोजीशन उसकी रिप्रेजेंट करना है, इस लाइन में अगर उसकी कहीं पे पोजीशन पता नहीं कि वो इस लाइन में कहाँ हो सकती है तो उसकी पोजीशन रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगा, एक कोऑर्डिनेट्स की। अगर इस लाइन में अगर मैं सपोज इसको मान देता हूँ ओरिजिन और इस रूप को मैं कंसिडर करता हूँ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस बोलो वाई एक्सिस बोलो या जेड एक्सिस बोलो बात एक ही है। तो जब अगर इसको मैं मान लिया ओरिजिन और वो एक्स एक्सिस पे है और अगर इस जगह पे मेरे को एक इस चींटी की अगर पोजीशन रिप्रेजेंट करना है तो मेरे को कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, एक कोऑर्डिनेट्स की। तो बिल्कुल उसी तरीके से अगर इस प्रकार का कोई मोशन है जिस जो कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हमको एक कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है तो उस प्रकार के मोशन को हम बोलते हैं वन डायमेंशनल ट्रांसलेशन मोशन। उस प्रकार के मोशन को हम क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल ट्रांसलेशन मोशन। बिल्कुल उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ टू डायमेंशनल ट्रांसलेशन मोशन की, तो यही चींटी एक रस्सी पे न चलते हुए इस बोर्ड पे घूम रही है। अगर यहाँ पे
बोर्ड पे अगर कुछ मीठा वगैरह लगा दो या पे अगर चीटी रख दिए तो क्या होंगे, पूरे बोर्ड में इधर उधर वो घूमते रहेंगे, ठीक है। तो अगर इस बोर्ड पे, ये बोर्ड कैसा है, प्लेन है, ठीक है, और टू डायमेंशनल है, ये बोर्ड टू डायमेंशनल है, एक वाई एक्सिस, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, दो ये यहां से तीसरा तो निकला हुआ है नहीं, है ना। तो एक एक्स एक्सिस इसको मैं मान देता हूं ओरिजिन, ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ये हो जाएगा इधर हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। तो अभी ये जो बातें हमने देखी, अब बताना है टू डायमेंशनल मोशन के बारे में। अब टू डायमेंशनल मोशन के बारे में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर कोई चींटी है और जो अगर इसमें ही मोशन कर रही है, और अगर इसकी पोजीशन मेरे को रिप्रेजेंट करना है, इस चींटी के अगर यहाँ पे अगर मेरे को पोजीशन रिप्रेजेंट करना है तो मेरे को कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, दो कोऑर्डिनेट्स की, वो एक्स से कहां पे है और वो वाई से कहां पे। तो अगर एक्स और वाई अगर ये दो कोऑर्डिनेट्स मेरे को मिल जाते हैं तो हम एग्जैक्ट बता सकते हैं कि इस प्लेन में चींटी कहां पे। तब जो जो चींटी जो मोशन कर रही है और उसकी पोजीशन रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हमको टू कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ रही है तो उस प्रकार के मोशन को हम क्या बोलेंगे, टू डायमेंशनल ट्रांसलेशन मोशन, उसको क्या बोलेंगे हम, टू डायमेंशनल ट्रांसलेशन मोशन। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं थ्री डायमेंशनल ट्रांसलेशन मोशन की बात करूं तो थ्री डायमेंशनल ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता है कि अगर जैसे हम ये क्लास में अगर कहीं पे भी बटरफ्लाई मोशन कर रहा है, घूम रहा है क्लास में बोलो, या फिर किसी भी खुली जगह पे अगर बटरफ्लाई तितली तितली हाँ वही, तो उसी को अगर हम अगर किसी खाली जगह पे छोड़ देते और वहीं पे अगर कहीं पे भी इधर उधर मोशन कर रहा है, और अगर खाली जगह पे मतलब स्पेस में एक खुली जगह है, ये क्लास हो, बाहर की जगह कहीं ग्राउंड वगैरह हो या कहीं गार्डन, किसी भी खाली जगह पे अगर उसको छोड़ते रहो जहां पे अगर उड़ रही है, मोशन कर रही है, तो उसकी अगर पोजीशन हमको रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, तीन कोऑर्डिनेट्स की, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक ये ऐसा निकलेगा जेड एक्सिस। तो अगर वो तीनों कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं और उन तीन कोऑर्डिनेट्स का अगर हम अच्छे तरीके से यूज करके अगर उसकी पोजीशन बता देते हैं और वो जो बटरफ्लाई जिस प्रकार का मोशन कर रही है और उसके मोशन की पोजीशन बताने के लिए अगर हमको तीन कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ता है तो उस प्रकार के मोशन को हम क्या बोलेंगे, थ्री डायमेंशनल ट्रांसलेशन मोशन। कौन सा मोशन बोलेंगे हम उसको, थ्री डायमेंशनल ट्रांसलेशन मोशन। तो अभी ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है वो भी देख लिया, फिर उसके बाद हमने देखा कि वन डायमेंशनल ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है, टू डायमेंशनल ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है, थ्री डायमेंशनल ट्रांसलेशन मोशन होता है। जैसे अभी मैंने सर्कुलर मोशन के साथ साथ मैंने नाम दिया था रोटेशनल मोशन, है ना, ये भी मैंने नाम दिया था रोटेशनल मोशन। तो ये जो ट्रांसलेशन मोशन होता है उसी का एक स्पेशल पार्ट होता है जो कहलाता है सर्कुलर मोशन, लेकिन ट्रांसलेशन मोशन का रोटेशनल मोशन कोई भी पार्ट नहीं होता। इसीलिए मैंने सर्कुलर मोशन बताने से पहले आपको बताना जरूर समझा कि ट्रांसलेशन मोशन क्या है, तो थोड़ी बहुत हमको आइडिया आ गई है। तो अब हम बढ़ते हैं सर्कुलर मोशन की तरफ कि होता क्या है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। ये जो सर्कुलर मोशन है आप पिछले क्लास में 11th में मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये चीजें आप पढ़ चुके हो, और अगर उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके आऊंगा तो वीडियो देखने में आपको और आसानी जाएगी। मैं हर एक छोटी से छोटी चीज क्लियर कराऊंगा, लेकिन आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप पहले थोड़ा सा प्रिपेयर होके आ जाइए, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि सर्कुलर मोशन यानी क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार चैप्टर है, अगर आपने अच्छे तरीके से वीडियो देखा तो आपको मजा भी बहुत आएगा, ठीक है। अभी क्या दिख रहा है आपको, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ही मैं बता दिया हूं कि एक ट्रांसलेशन मोशन का बहुत ही स्पेशल केस है। तो अभी जैसे एक ये मान लेता हूं मैं सर्कल है, ठीक है, और ये सर्कल का इसको क्या बोलते हैं, सेंटर, जिसको मैंने नाम दे दिया ओ। ये सर्कल का सेंटर है जो है वो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। अब मैं मान के चलता हूं कि यहां पे कोई तो भी पार्टिकल है जिसकी पोजीशन क्या है, ए। अब अगर ये पार्टिकल मोशन करते करते कहीं तो भी जाता है, वो पहुंच गया यहां पे जिसकी पोजीशन हो गई बी, ए उसकी इनिशियल पोजीशन और बी उसकी फाइनल पोजीशन, और ये क्या कहलाएगी, हमारी रेडियस, ठीक है। तो
अभी ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा, थोड़ी देर बाद यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, यहाँ पे, इस तरीके से वो मोशन करते रहेगा। लेकिन अगर हम इसके ऊपर थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्वेशन करें तो ये सर्कल की ये जो लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस उसी को बोलते हैं ना। तो हम अगर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करें इसके ऊपर तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पे जो पार्टिकल है वो किसके अलावा मोशन कर रहा है, सर्कल की सर्कमफेरेंस के अलावा। तो जब अगर ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल अगर सर्कल की सर्कमफेरेंस के अलावा अगर मोशन करता है तो उस प्रकार के मोशन को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। और अगर उसकी डेफिनेशन लिखना है तो बहुत ही सिंपल तरीके से उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या है उसकी डेफिनेशन, द मोशन ऑफ पार्टिकल, द मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग द मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, द मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एज, is called as circular motion, is called as circular motion। तो circular motion यानी हमने क्या देखा, the motion of particle along the circumference of circle is called as circular motion। तो किसी भी प्रकार का object हो अगर किसी circle के circumference के along अगर वो motion करता है तो उस प्रकार के motion को हम क्या बोलेंगे, circular motion। और ये circular motion translation का कौन सा part है, two dimensional part। क्योंकि अगर हम ये ऐसे बात करते हैं, यहाँ पे हमारा सर्कल बना हुआ है तो ये x एक्सिस हो जाता है हमारे लिए एक y एक्सिस, तो वो दो इस प्लेन में कहीं पे भी हो सकता है। और यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल अगर मोशन करता है तो उसकी पोजीशन रिप्रेजेंट करने के लिए हमको टू कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, इसलिए टू डायमेंशनल ट्रांसलेशन मोशन में आता है। ठीक है, तो अभी जैसे अगर मैंने सर्कुलर मोशन की बात किया तो सर्कुलर मोशन सिंपली हमने क्या देखा कि अगर एक कोई भी सर्कल है और उस सर्कल की सर्कमफेरेंस के अलावा अगर कोई पार्टिकल मोशन करता है तो उस प्रकार के मोशन को हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। और उसकी सिंपल सी डेफिनेशन बनती है, द मोशन ऑफ पार्टिकल अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। अगर इसके देखा जाए एग्जाम्पल्स बहुत सारे आते हैं, हम अपने जनरल लाइफ में भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते भी है और यूज भी करते हैं बहुत सारे। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो जिस पे हम अभी खड़े हैं, आप जैसे भी बैठे होंगे, अर्थ जिस पे हम रहते हैं वो किसके चारों ओर घूमती है, सन के चारों ओर। ठीक है, ये है हमारा सन और इसके चारों ओर घूमने वाली कौन है, अर्थ। तो ये जो अर्थ होती है वो भी सन के चारों ओर कौन सा मोशन करती है, सर्कुलर मोशन। क्योंकि ये जिस ऑर्बिट में घूमती है वो भी ऑर्बिट किस तरीके का होता है, सर्कुलर ऑर्बिट होता है। और अगर सर्कुलर ऑर्बिट के अलावा अगर अर्थ मोशन कर रही है इसका मतलब वो भी कौन सा मोशन कर रही है, सर्कुलर मोशन। बिल्कुल उसी प्रकार से अर्थ बीच में होती है और अर्थ के चारों ओर घूमने वाला कौन होता है, मून, चंदा मामा जिसको आप बचपन में बोलते थे वही। तो अब अर्थ के चारों ओर कौन घूम रहा है, मून, तो वो भी एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। और मून भी अगर एक सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड अगर मोशन कर रहा है तो वो भी कौन सा मोशन होगा, सर्कुलर मोशन। बिल्कुल सेम तरीके से किसी भी एटम्स में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर कौन मोशन करता है, न्यूक्लियस के चारों ओर करता है इलेक्ट्रॉन विद निगेटिव चार्ज। तो जब अगर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर मोशन कर रहा है तो वो भी एक सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन करता है, तो वो भी एक प्रकार का किस प्रकार का मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन। तो ऐसे ही हमारे जनरल लाइफ में अगर फॉर एग्जांपल आप देखते हो अगर कहीं मेले वगैरह में गए तो झूले वगैरह होते हैं ऐसे गोल गोल वाले या ऊपर वाला किसी भी प्रकार का झूला हो, तो जैसे जो गोल गोल होते हैं एक जगह पे बैठा रहे और वो चार ऐसे पूरी तरीके से राउंड मार के आता है तो वो भी एक प्रकार का सर्कुलर मोशन है। अगर कहीं पे कोई मीठी चीज वगैरह गिरी हो, हम घर पे ही देखते हैं तो उसके चारों मक्खी भिनभिनाते रहते हैं ऐसे गोल 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 गोल, वो भी एक प्रकार का सर्कुलर मोशन है। अब होता है अभी बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, जनरेशन के हिसाब से अपडेट भी रहते हैं। तो अगर किसी की कोई खास खास फ्रेंड किसी स्कूल में या कॉलेज में अगर पढ़ती है तो खाली पीली रहने से अच्छा उसके स्कूल के या कॉलेज के भी चक्कर मारते हैं गोल 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 गोल, तो वो भी एक प्रकार का सर्कुलर मोशन होता है। तो अगर इस प्रकार से देखा जाए तो सर्कुलर मोशन एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमको सभी एग्जाम्पल्स की तरफ ध्यान नहीं देना है, कुछ स्पेशल एग्जाम्पल है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ और अगर एग्जाम में पूछा जाए तो हमको वही लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी जो मैंने एक एग्जाम्पल बताया था सर्कुलर मोशन का, जो सबसे पहला एग्जाम्पल भी मैंने कौन सा बताया कि अर्थ अराउंड द सन इज
सर्कुलर मोशन, ये एक हमारा सबसे अच्छा एग्जांपल हो जाता है। फिर सेकंड एग्जांपल की अगर हम बात करें तो अर्थ के चारों ओर कौन घूमता है, मून, तो वो भी एक हमारा अच्छा एग्जांपल हो जाता है, मून अराउंड द अर्थ, मून अराउंड द अर्थ इज अ सर्कुलर मोशन, ये भी एक अच्छा एग्जांपल हो जाता है। अगर हम तीसरे एग्जांपल की बात करें तो जो मैंने आपको बताया तीसरा एग्जांपल क्या था हमारा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज सर्कुलर मोशन, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन। बिल्कुल उसी तरीके से जब अगर हम बाइक या कोई भी अगर व्हीकल चलाते हैं और अगर कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो मैक्सिमम टाइम ऐसा कर्व्ड रोड आता है, तो जैसे जो मुड़ा हुआ रोड रहता है और वहां से हमको पता है कि सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा कैसा होता है, कर्व्ड। अगर पूरे सर्कल का हिस्सा लिया जाए तो अगर एक छोटा सा हिस्सा देखे तो कर्व्ड है, तो ऐसे ही अगर हम कर्व्ड रोड के ऊपर से गाड़ी अगर घुमाते तो वो भी एक प्रकार का सर्कुलर मोशन होता है। तो चौथा एग्जाम्पल ये भी हो सकता है हमारा, द मोशन, द मोशन ऑफ व्हीकल, द मोशन ऑफ व्हीकल अलोंग द मोशन ऑफ व्हीकल अलोंग द कर्व्ड रोड, अलोंग द कर्व्ड रोड इज सर्कुलर मोशन। तो ये भी हो जाता है हमारा सर्कुलर मोशन के एग्जांपल्स। ये चार अच्छे बेस्ट एग्जांपल्स जो हमको एग्जाम में लिखना है। हमारे जनरल लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स रहते हैं सर्कुलर मोशन से रिलेटेड, बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं, उसी में से एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, जैसे आप अगर कभी शादी में गए होंगे, गई होंगे, सात फेरी वाली शादी बहुत टीवी में बहुत दिखाता है, तो वहां पे भी दूल्हा दुल्हन सात फेरे लगाते किसके, हवन कुंड के चारों ओर, तो वो भी हमारा सर्कुलर मोशन। अगर जनरल लाइफ में हमारे ऐसे बहुत सारे सर्कुलर मोशंस के एग्जांपल्स होते हैं, लेकिन हमको वो नहीं देखना है, हमको चार एग्जांपल्स ध्यान में रहना और उसी को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ये चार एग्जांपल हो गए हमारे सर्कुलर मोशन के। लेकिन जैसे पिछले साल 11th क्लास में आपने कुछ पढ़ाई करके रखे होंगे एग्जाम के लिए, अब अगर एग्जाम नहीं हो रही तो उसके लिए थोड़ा बहुत आप खुश तो हुए ही होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई नहीं करेंगे। तो उसमें ऐसे कुछ लेसन है जो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, तो उसी में से लॉज ऑफ मोशन और मोशन इन प्लेन, उसमें जैसे आपने कुछ पढ़े होंगे मैकेनिक्स रिलेटेड टॉपिक, तो मैकेनिक्स से रिलेटेड टॉपिक में आपको पता चला होगा कि जब अगर कोई भी बॉडी मोशन करती है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वहां पे अगर उनके लॉज पढ़ते तो हमको ये बात क्लियर होती है कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर जब तक के एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होता तब तक के वो बॉडी मोशन नहीं करती। अगर यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर इस ऑब्जेक्ट की, इस बोर्ड की ही बात करते हैं, अगर ये बोर्ड यहाँ पे रखा हुआ है और जब तक कि इसको यहाँ से उठा के कोई बाहर नहीं ले जाएगा तो ये जिंदगी भर यहीं पे रह रहा है कि सड़ जाएगा, लेकिन यहाँ से हिलने वाला नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमको यही बात पता चलती है कि अगर किसी बॉडी को मोशन में लाना है तो बाहर से फोर्स लगाने की जरूरत होती है, अगर किसी बॉडी को मोशन से रेस्ट पोजीशन में लाना है तो फोर्स की जरूरत पड़ती है, अगर किसी बॉडी की डायरेक्शन भी चेंज करना है तो हमको फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो अब ये बात तो क्लियर होगी, इसका मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है, तो आप पूछ सकते हैं मेरे को कि सर अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है मतलब इसको सर्कुलर मोशन कराने के लिए भी किसी फोर्स की जरूरत पड़ेगी, तो आप सही सोच रहे हैं कि अगर ये कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसको भी सर्कुलर मोशन कराने के लिए किसी न किसी फोर्स की जरूरत पड़ी होगी। तो अब वो फोर्स कौन सा है, क्योंकि सभी प्रकार के जितने भी प्रकार के मोशन होते तो सभी प्रकार मोशन के लिए चीज रिस्पॉन्सिबल फोर्स होता है, लेकिन सभी प्रकार के मोशन के लिए एक ही प्रकार का फोर्स लगाया नहीं जाता, जैसे जैसे फोर्स अलग अलग लगाए जाते तो अलग अलग फोर्सेस की वजह से उसमें अलग अलग फोर्सेस के वजह से उसके मोशन भी अलग अलग ही होते हैं। तो अभी जैसे हमको पता है कि अगर ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है इसका मतलब इसके पास ऐसा कोई ना कोई तो भी फोर्स है जिस फोर्स के वजह से वो क्या कर रहा है सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो भाई वो फोर्स है कौन था, तो उस फोर्स का नाम है आपका जाना पहचाना जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। क्या बोलते हैं उसको हम, सेंट्रीपेटल फोर्स, जिसको एफ सफिक्स सीपीटी से भी डिनोट करता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा सेंट्रीपेटल फोर्स, जिस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट कौन सा मोशन करता है सर्कुलर मोशन, जिस ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है जब तक के, तो हम ये बोल सकते हैं कि जब तक के अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं होगा तब तक के वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन नहीं कर सकता,
तो इसका मतलब ये बात, जैसे हमको जीने के लिए क्या की जरूरत होती है, सांसों की, जब तक हम सांस नहीं लेंगे तब तक जी नहीं सकते, बिल्कुल उसी तरीके से इस ऑब्जेक्ट के पास अगर सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं होगा तो वो सर्कुलर मोशन कभी भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये बात तो हमको क्लियर हो गई कि जब अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके पास सेंट्रीपेटल फोर्स होना बहुत ही जरूरी है। जब तक कि अगर उसके पास सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं होगा तब तक के वो सर्कुलर मोशन नहीं कर पाता। अब ये बात तो ठीक है, मतलब अगर इसके हमने सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड किया और सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करने के बाद वो सर्कुलर मोशन करने आए। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब अगर ये बीच में हमारा सन है और इसके चारों घूमने वाली अर्थ है, और अर्थ अगर सन के चारों अगर सर्कुलर मोशन कर रही है, इसके इसका मतलब ये है कि इस अर्थ के पास भी कौन सा फोर्स होना चाहिए, सेंट्रीपेटल फोर्स। तो अर्थ के पास सेंट्रीपेटल फोर्स लाके कौन देता है, क्योंकि जब से अर्थ फॉर्म हुई कंटिन्यूअसली वैसे ही घूमते आ रहे हैं, आगे भी उसी तरीके से घूमते रहेंगे। तो क्वेश्चन ये आता है कि इस अर्थ के पास सेंट्रीपेटल फोर्स कहाँ से आता है, ऐसा तो नहीं कि हम बाहर से लगा के देते, कोई भी बोलता होगा ये ले सेंट्रीपेटल फोर्स, उसको धक्का देते होंगे तब वो सर्कुलर मोशन करते होंगे, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि इस अर्थ के पास सेंट्रीपेटल फोर्स भाई आता कहाँ से। तो अभी हम वो देखते हैं कि जो जो भी मैंने तुमको तीन या चार एग्जाम्पल बताया सर्कुलर मोशन के, उन सभी एग्जांपल्स में उनके पास सेंट्रीपेटल फोर्स होता है, लेकिन वो सेंट्रीपेटल फोर्स आता कहां से है। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल मैंने क्या बताया था आपको, द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज अ सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ अर्थ इज अराउंड द सन इज सर्कुलर मोशन। तो ये बीच में हमारा सन है और उसके चारों ओर घूमने वाली कौन है, अर्थ। उसके चारों ओर कौन मोशन करती है, अर्थ। ठीक है, ये बीच में सन होता है और उसके चारों ओर इस तरीके से अर्थ मोशन करती है। ठीक है, तो अब जब अगर ये चारों उसके सर्कुलर ऑर्बिट में अगर सर्कुलर मोशन कर रही थी, ये कंफर्म है कि उसके पास सेंट्रीपेटल फोर्स जरूर होगा, है ना, उसके पास सेंट्रीपेटल फोर्स होगा। लेकिन अब बात ये आती है कि उसको सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला कौन है, तो उसको प्रोवाइड करने वाला, अभी सबसे पहले एक बात बताइए, आपको पता ही होगा आपने 10th क्लास में साथ में 11th क्लास में वो लेसन जरूर पढ़े हो, ये सन और अर्थ के बीच में कौन सा फोर्स होता है, जीएफ। जीएफ यानी आप जो सोच रहे हो वो नहीं है, जीएफ यानी है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जीएफ यानी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। हमको पता है कि यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और सन और अर्थ के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है, और इन दोनों के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ को कौन सा फोर्स प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपेटल फोर्स। इन दोनों के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ को कौन सा फोर्स प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपेटल फोर्स। और उस सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से अर्थ हमेशा कंटिन्यूअसली सन के चारों ओर कौन सा मोशन करते रहती है, सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन करते रहती है, सर्कुलर मोशन। तो अभी आपको ये तो पता था कि अर्थ के पास सेंट्रीपेटल फोर्स होता है इसीलिए वो सर्कुलर मोशन करते, लेकिन भाई वो सेंट्रीपेटल फोर्स आता कहां से है, तो अभी हमको पता चल गया इनके बीच का जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है उस ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से अर्थ को मिलता है, उसकी वजह से वो इजिली सन के चारों ओर कौन सा मोशन कर पाती है, सर्क्यूलर मोशन। ये अभी हमारा हो गया पहला एग्जाम्पल जिसमें हमको पता चल गया है कि अर्थ के पास सेंट्रीपेटल फोर्स आता कहां से। बिल्कुल उसी तरीके से अभी हम उसके दूसरे एग्जाम्पल्स के बारे में देखें, तो ये जो चीजें मैं अभी बता रहा हूँ जो हमको रिकॉल करने के लिए कहा गया है, आप ये पूरी चीजें 11th क्लास में पढ़ चुके हो, लेकिन अगर ये लेसन अच्छे तरीके से पढ़ना है तो ये सब चीजों की जानकारी अच्छे तरीके से होनी चाहिए। फिर मैंने दूसरा एग्जाम्पल बताया, दूसरे एग्जाम्पल में मैंने क्या बताया कि दूसरे एग्जाम्पल में हमने देखा कि मून, द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज सर्कुलर मोशन। अभी बीच में कौन आ गई, अर्थ। उसके चारों ओर कौन घूम रहे हैं, चंदामामा, है ना, चंदामामा। तो ये मून चारों ओर घूम रहे किसके, अर्थ के। तो हमको पता, अभी मैंने बताया कि यूनिवर्स में कोई भी दो चीजों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। उस फोर्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स। जिस ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से कोई भी चीज ऊपर फेंको तो नीचे आती है और हम भी नीचे ही, मतलब अर्थ सरफेस पे अच्छे से रह पाते हैं, क्योंकि अर्थ सरफेस पे ग्रेविटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो अभी हमको पता है कि जो मून है वो अर्थ के चारों ओर कौन सा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन।
और अर्थ के चारों ओर अगर सर्कुलर मोशन वो कर रहा है, इसका मतलब इसके पास भी कौन सा फोर्स होगा, सेंट्रीपेटल फोर्स। लेकिन इसके पास सेंट्रीपेटल फोर्स आया कहां से, तो हमको पता चल गया कि अर्थ और मून के बीच में भी एक फोर्स होता है जिस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशन फोर्स, और इस ग्रेविटेशन फोर्स के वजह से इस मून को मिला सेंट्रीपेटल फोर्स, और इस सेंट्रीपेटल फोर्स का यूज करके मून अर्थ के चारों ओर कौन सा मोशन करता है, सर्कुलर मोशन। उसके चारों कौन सा मोशन करता है, वो सर्कुलर मोशन। तो ये भी बात क्लियर होगी कि मून को वो एग्जांपल मतलब उसको मून को सेंट्रीपेटल फोर्स कहां पे मिलता है। फिर इसके बाद हमने थर्ड एग्जांपल देखा, थर्ड एग्जांपल क्या था हमारा, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज सर्कुलर मोशन। अभी बीच में कौन है, न्यूक्लियस, उसके चारों ओर घूमने वाला कौन है, इलेक्ट्रॉन। अभी इलेक्ट्रॉन अगर उसके चारों ओर घूमता है, अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, वो चार्जलेस होता है। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और उसके चारों ओर अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज ये निगेटिव चार्ज, और दो चार्जेस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन, उसको हम कौन सा फोर्स बोलते हैं, वो जब भी अगर किसी दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन हो, तो उस प्रकार के फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उस प्रकार के फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन को मिलता है सेंट्रीपेटल फोर्स, और इस सेंट्रीपेटल फोर्स के उपयोग से इलेक्ट्रॉन कौन सा मोशन करता है, सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो अभी हमको ये भी पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा फोर्स है। अब इसके बाद हम देखते हैं चौथा एग्जांपल। चौथा एग्जांपल में मैंने बताया द मोशन ऑफ व्हीकल अलोंग द कर्व्ड रोड, मतलब ये इस प्रकार का कोई तो भी कर्व्ड रोड होता है और यहाँ पे कोई तो भी व्हीकल है जो इस तरीके से यहाँ पे मोशन करते हुए जा रही है। तो अब इसके पास सेंट्रीपेटल फोर्स कहाँ पे है, जब अगर वो कोई भी व्हीकल रोड सरफेस पे जा रहा है तो उस व्हीकल के जो टायर होते हैं उस टायर और रोड सरफेस के बीच में एक फोर्स प्रोड्यूस होता है, जिसे फोर्स को कहा जाता है फ्रिक्शनल फोर्स। इस फोर्स को कहा जाता है फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये उन दोनों के बीच का टायर और रोड सरफेस के बीच का जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, वो उस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से इस व्हीकल को मिलता है सेंट्रीपेटल फोर्स, और इस सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से ये कौन सा मोशन कर पाता है, सर्कुलर मोशन। तो ये सर्कुलर मोशन के चार बेस्ट एग्जांपल थे जो हम इसके पहले 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। और अब ये चारों एग्जांपल को हमको पता चल गया कि चारों एग्जांपल में हमने देखा कि ऑब्जेक्ट कौन सा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन करने के लिए कौन से फोर्स की जरूरत होती है, सेंट्रीपेटल फोर्स, और इनको सेंट्रीपेटल फोर्स मिल कहां से रहा है वो भी हमको पता चल गया।